चैप्टर 3 देख रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में जो आए क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 2015 में आए। राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ, आपको एग्जांपल बताना है। मेटल जो बहुत सॉफ्ट है उसको आप नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं, और एक नॉन मेटल ऐसा है जो बहुत हार्ड है, और बल्कि सबसे ज्यादा हार्ड जो नोन सब्सटेंस है वो ये है। उसके बाद एक मेटल और नॉन मेटल जो लिक्विड की तरह रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो पहला है सोडियम। सोडियम जो है उसको आप छुरी से भी काट सकते हैं, और ऐसा नॉन मेटल जो हार्डेस्ट है वो है आपका डायमंड, कार्बन का फॉर्म है। और सेकंड पार्ट का आंसर है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो मेटल है लेकिन वो लिक्विड है, वो लिक्विड है। और ब्रोमीन वो ऐसा लिक्विड है जो नॉन मेटल है। मेंशन द नेम ऑफ मेटल फॉर दी फॉलोइंग। दो मेटल मतलब आपको नाम बताने हैं मेटल के, दो मेटल जो अलॉय किए गए आयरन के साथ ताकि स्टेनलेस स्टील बने, और दो मेटल जो ज्वेलरी के बनाने के काम में आते हैं। तो निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम को आयरन के साथ जोड़ा जाता है ताकि स्टेनलेस स्टील बने, और गोल्ड और प्लेटिनम दो मेटल हैं जिनसे ज्वेलरी बनती है, आभूषण बनते हैं। स्टेट थ्री रीजन फॉर दी फॉलोइंग फैक्ट्स। आपको तीन रीजन बताने हैं इन फैक्ट्स के। सल्फर एक नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, और आपको ये भी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो देखिए, सल्फर आपका नॉन मेटल है, मैग्नीशियम आपका मेटल है। इसलिए ये नॉन मेटल है सल्फर, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का पुअर कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं है। जबकि मैग्नीशियम इसलिए मेटल है क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का अच्छा कंडक्टर है। सल्फर नॉन मेटल इसलिए है, इसलिए क्योंकि ना ही ये मैलिएबल है, ना ये डक्टाइल है, ना ही आप इसके वायर बना सकते हैं, ना इसको शीट्स में बना सकते हैं। जबकि मैग्नीशियम के साथ दोनों ही चीज की जा सकती है, इसलिए मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। अब S और O2, अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड को आप H2O वाटर के साथ मिलाएंगे तो आपका H2SO3 बनेगा, यानी कि सल्फरस एसिड बनेगा आपका। और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड है, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम में अगर बात करें, ये मेटल है, उसका कारण ये है कि देखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जबकि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ मिलाएं तो क्या बनता है, MgOH2, ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका बेसिक है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड आपका एसिडिक है। व्हाट इज सिनेबार, हाउ इज मेटल एक्सट्रैक्टेड फॉर सिनेबार। तो सिनेबार क्या होता है, सिनेबार होता है HGS, और अगर आप सिनेबार को लेंगे, उसको रोस्ट करेंगे तो आपको मर्क्यूरी मिलती है। HGO बनता है जो थर्मली मतलब अनस्टेबल होता है, इस कारण से हमें मर्क्यूरी मिल जाती है। तो HGS ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो HGO और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। इस HGO के साथ को हीट इसमें पास की जाए तो HG और O आपको अलग अलग मिलेंगे, और HGS के साथ ऑक्सीजन, ये इन दोनों में से दोनों देख लीजिए, HGS में ज़्यादा ऑक्सीजन आपने किया तब भी आपको HG और SO2 मिलेंगे, और मर्क्यूरी को आप फिर प्योरीफाई कर सकते हैं डिस्टिलेशन करके। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर पोटेशियम एंड क्लोरीन। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है पोटेशियम और क्लोरीन का। तो पोटेशियम होता है, देखिए, K के बाद आपका एक यहाँ पर पॉइंट है, और क्लोरीन के ऊपर 7 पॉइंट्स है, एक दो ये दो ये दो ये दो और ये एक, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में यहाँ पर 1 है इसलिए एक डॉट है, इसके आउटर मोस्ट में 7 है तो 2887, और 287 इसका जो एटॉमिक नंबर है 17 है, इसका आपका देखिए 19 है। इसीलिए शो द फॉर्मेशन ऑफ KCl बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो KCl कैसे बनता है, K से पहले K+ बनता है, इलेक्ट्रॉन ये एक छोड़ता है,
क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को लेगा या क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, सीएल माइनस बनाएगा, यानी कि आपका जो के है इसका जो, जैसे के है इसका एक डॉट है, अब ये इसके साथ मिलेगा यहाँ पर, यानी कि के प्लस, ये जो दोनों चीजें हैं ये आपस में मिलेंगी और के सी एल बनेगा। तो के सी एल में जो आयन है वो है के प्लस और सी एल माइनस। अगला है स्टेट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कैल्शियम एंड सल्फर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है आपको कैल्शियम और सल्फर के लिए। तो कैल्शियम हो गया 2882, यहाँ पर दो आपके आखिर में है, दो है ये। सल्फर आपके छः आखिर में है, तो छः डॉट्स है इसके ऊपर। आपको फॉर्मेशन भी बताना है सी ए एस का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये सी ए एस बनता कैसे है, कैल्शियम पहले दो इलेक्ट्रॉन देता है और ये दो इलेक्ट्रॉन सल्फर लेता है तो एस टू माइनस बनता है। अब ये जो कैल्शियम के बाहर दो है ये और ये आपके एक बॉन्ड बनाते हैं और फिर कैल्शियम टू प्लस ये वाला और एस टू माइनस, ये दोनों आपस में मिलते हैं। जो आयन बनेंगे इसमें, जो कंपाउंड के एस है, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, कैल्शियम का 20 है यहाँ पर, आप देख भी पा रहे हैं 2882 यानी 20, और आपका दूसरे का भी आपको दिया हुआ है जो एस है, तो 10 और 6 16। तो कैल्शियम 2 प्लस एस 2 माइनस, ये आपके कैल्शियम सी एस में प्रेजेंट है। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 दिया हुआ है और कैल्शियम का दिया हुआ है 20। आपको फॉर्मेशन भी बताना है कैल्शियम क्लोराइड का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और आइडेंटिफाई करना है नेचर जो कंपाउंड बनेगा, और तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी बतानी है। तो कैल्शियम है सॉरी क्लोरीन है 17 2 8 7 17, तो इसमें 7 आप डॉट दिखा देंगे, यहाँ पर 2882 जो कैल्शियम है, यानी कि दो आप क्रॉस यहाँ पर बाहर दिखाएंगे, तो कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन ट्वाइस करके दो इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि 2Cl- बना सके। यानी कैल्शियम का ये जो आपके बाहर है ये इससे कंबाइंड होगा एक से यहाँ पर, और फिर दूसरा कैल्शियम जो एक दूसरा जो कैल्शियम का है वो दूसरे क्लोरीन से कंबाइंड होगा, यानी कि आपका Ca2+ और Cl- जो है वो दो है तो CaCl2 बनेगा। ये बेसिकली आयोनिक कंपाउंड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो हार्ड है और सॉलिड है, इसकी हाई मेलिंग मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, और ये सॉल्युबल है पानी में, वाटर में। यू आर गिवन सैंपल्स ऑफ थ्री मेटल, तीन मेटल के सैंपल आपको दिए गए, सोडियम मैग्नीशियम और कॉपर। आपको सजेस्ट करना है कोई दो एक्टिविटी ताकि आप अरेंज कर सके इनको डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर में। देखिए सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से बहुत विगरसली, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, देखिए सोडियम अगर ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन लिबरेट होती है। और मैग्नीशियम ये रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर से, लेकिन हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, ये बात तो क्लियर हो गई है ना। एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी है मैग्नीशियम और कॉपर है आपके पास। मैग्नीशियम को जब कॉपर सल्फेट से करेंगे तो मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो गया, लेकिन कॉपर को मैग्नीशियम सल्फेट से करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। यू आर प्रोवाइडेड विथ, पहले मैं इसको तीन थे ना इसमें बता देता हूँ आपको। तो सोडियम आपका हो गया, मैग्नीशियम कॉपर में आपने देख लिया कौन सा है कि मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर कॉपर, इस तरीके से आएगा। यू आर प्रोवाइडेड विथ मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर, आपको एक मैग्नीशियम रिबन मिला हुआ है और सल्फर पाउडर दिया हुआ है। आपको एक्टिविटी से बताना है कि मेटल ऑक्साइड ये बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं नेचर वाइज। तो एम कुछ इस तरीके से है कि हमको टेस्ट करना है कि नेचर जो ऑक्साइड का है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स द्वारा बनेगा, और आपको मटेरियल जो रिक्वायर्ड है उसमें सल्फर पाउडर, मैग्नीशियम रिबन है, पानी है, वाटर, ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है। प्रोसीजर कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको मैग्नीशियम रिबन लेता है लेना है टोंग से, पकड़ने का एक औजार होता है, तो टोंग से पकड़ेंगे और उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे फ्लेम में एयर के प्रेजेंस में। आप जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कलेक्ट करेंगे, उसको डिजॉल्व करेंगे वार्म वाटर, फिर ऐड करेंगे जो लाल लिटमस पेपर है उसको इसमें।
आप देखेंगे जो चेंज इन कलर है, और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ऑक्साइड नेचर क्या है उस ऑक्साइड का। फिर आप सल्फर को बर्न करेंगे, जलाएंगे एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में, और एयर के प्रेजेंस में जलाइए इसको, और जो जो भी ऑक्साइड बना उसको वाटर में डिजोल्व कर लीजिए। फिर डिप करिए जो ब्लू लिटमस पेपर है, जो नीला लिटमस पेपर है, इस सॉल्यूशन में, और देखें कि क्या चेंज होता है कलर का, और डिसाइड करिए कि नेचर क्या है इस ऑक्साइड का। तो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जो ऑक्साइड बनेगा मेटल्स द्वारा, वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है लिटमस को, जबकि ऑक्साइड जो नॉन मेटल का बनेगा वो ब्लू को रेड रेड में चेंज कर देगा। इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। ये मैग्नीशियम है, इसके साथ ऑक्सीजन में बन के तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बेसिक ऑक्साइड है उसको हॉट वाटर में डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन रहा है। ये आपका बेसिक ऑक्साइड है। एस को O2 के साथ किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, और सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ किया तो सल्फरस एसिड बना, यानी कि ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड है। तो कंक्लूजन ये आप ड्रॉ करेंगे कि मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये। एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस। एक ऐसा ओर है और जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब इसको ट्रीट किया जाता है तो बहुत एफरवेसेंस पैदा करता है, ब्रिस्क। अब किस टाइप का ये ओर है, और आपको स्टेप्स भी बताने हैं ताकि आप मेटल निकाल सके इस ओर से, एनरिच्ड ओर से। एक और चीज है कि कॉपर कॉइन को लिया गया और इसको डाला गया, इमर्स किया गया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए। क्या चेंज हो रहा है कॉइन में और कलर में इस सॉल्यूशन के, बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है। तो पहले का उत्तर यह है कि ये कार्बोनेटेड ओर है, और कैल्सिनेशन अगर आप देखें तो यहां पर कार्बोनेट ओर को हीट, जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट किया जा रहा है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, और ऑक्साइड बनेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसका रिडक्शन किया जाएगा कार्बन से, जो जिंक ऑक्साइड बन गया तो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन किया जा रहा है कार्बन से, ऑक्साइड ओर को हीट किया जाएगा कार्बन के साथ, तो जिंक निकल आएगा और CO कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। दूसरे का अगर उत्तर दिया जाए तो कॉपर है, अगर इसको AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला जाए तो Ag अलग हो जाएगा, कॉपर इसकी जगह ले लेगा, तो कॉपर नाइट्रेट बना और Ag यानी कि सिल्वर अलग हो गया। क्योंकि कॉपर, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, वो डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, और एक डिपोजिशन हो जाएगा सिल्वर का कॉपर कॉइन, कॉपर के कॉइन के ऊपर। जो कलर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन बताने हैं। स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, स्कूल बेल जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, और इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल है वो सोनोरस है। सोनोरस क्या होता है, जब आप किसी भी औजार से उस हार्ड सब्सटेंस से उसको मारते हैं या उस पर चोट करते हैं तो वो एक आवाज पैदा करता है, और उसको इस शेप में बनाया जाता है, बेल के शेप में, कि जो उसके साउंड है वो इस तरीके से वाइब्रेट करे कि वो बहुत दूर तक पहुंचे। और इलेक्ट्रिक वायर्स, इसको हम कॉपर से क्यों बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। आपको सजेस्ट करना है मेथड जो रिडक्शन का है फॉर द फॉलोइंग मेटल ड्यूरिंग देयर मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में के दौरान आपको मेथड तैयार करना है या पता करना है रिडक्शन का इन मेटल्स का। मेटल ए विच इज वन ऑफ द लास्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन इन द रिएक्टिविटी। मेटल ए जो पहला, दूसरा और तीसरा पोजिशन है रिएक्टिविटी का, एक एक करके देखते हैं। तो मेटल बी के बारे में भी है कि ये विगरस रिएक्शन देता है, चाहे वो वाटर है या एयर है, बड़ा विगरली ये रिएक्ट करता है। और मेटल सी, ये एक्टिविटी सीरीज के बीच में रखा हुआ है। तो आप देखिएगा, एक ऐसे निकालेंगे जब, अगर एक जो एक्टिविटीज सीरीज में काफी ऊपर है
उसको केमिकल रिडक्शन से हम निकाल सकते हैं। इसमें हम कार्बन और या कार्बन मोनोक्साइड इसको यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये बहुत विगरसली एक्ट करता है बी, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकालेंगे। और मेटल सी क्योंकि ये मिडिल में है तो हम इसको कोई भी जैसे रिड्यूसिंग एजेंट एएल के से एएल को यूज कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। डिफाइन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, अरेंज द मेटल गोल्ड कॉपर आयरन एंड मैग्नीशियम इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिव इंक्रीज इन एक्टिविटी। पहले तो आपको एक्टिविटी सीरीज बतानी है मेटल की क्या होती है, फिर अरेंज करना है मेटल जो जैसे गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, उनको इनके रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो इसका उत्तर इस तरीके से होगा कि जो सीरीज है मेटल की जो इस तरीके से अरेंज की है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके रिएक्टिविटी, यानी कि जो पहला है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो बाद में आएगा उससे वो कम रिएक्टिव है, लेकिन सबसे पहला जो है इस सीरीज में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे आखिर का है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो इनको देखा जाए इसमें तो आपका AU, CU, FE और MG ये इस तरीके से आएगा, यानी कि चाहे गोल्ड हो, कॉपर हो, आयरन हो और मैग्नीशियम हो, ये अपने आप आपको इसी ऑर्डर में दिए हुए। फिर अगला सवाल है व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन सम जिंक पीसेस आर पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक को अगर कॉपर कोई जिंक के पीसेस अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो जिंक को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो देखिए ये ब्लू है, जो ब्लू सॉल्यूशन है इसका वो कलरलेस बन जाएगा क्योंकि जिंक सल्फेट बन गया है, और साथ में आपको ये कॉपर मेटल मिलेगा, राइट। तो ये कॉपर मेटल आपका होता है रेडिश ब्राउन, ये इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। कुछ सिल्वर पीसेस इसको आप डालेंगे हरे हरे कलर के फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आप देखें जब ये Ag FeSO4 के साथ मिलेगा तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, यानी कि आप सिल्वर पीसेस को आपके फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो Ag है वो Fe को हटाने की कोशिश करेगा लेकिन ये इस Fe से कम रिएक्टिव है। Ag जो है वो Rn से Fe से बहुत कम रिएक्टिव है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। एक ग्रीन लेयर ये ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये बन जाएगी कॉपर प्लेट पे, अगर उसको आपने एयर पे हवा में एक्सपोज करके रखा हुआ है कुछ समय के लिए, बाथरूम में ही देख लीजिए। व्हाट कुड दिस ग्रीन सब्सटेंस बी। अब ये ग्रीन सब्सटेंस होता क्या होगा क्या, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3.COOH2 ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। अगर आपने इसको एक्सपोज कर दिया एयर से और कुछ दिनों के लिए रख दिया तो ये बन जाएगा, वही आपका ग्रीन सब्सटेंस है। तो ये 2012 के सवाल है, अब इनको हम नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।